जेडीयू में विलय की अटकलों के बीच कुशवाहा को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में शामिल। बिहार की राजनीति में लगातार हलचल हो रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जनता दल यू में मर्जर की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही रोलसपा को बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं ने अब राजद का दामन थाम लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा और महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी में शामिल हुई। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में सभी नेता राजद में शामिल हुए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मर्जर होने जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। माना जा रहा है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की अहम बैठक के बाद इसे लेकर अंतिम निर्णय भी लेने वाले हैं, लेकिन यह फैसला होने से पहले पार्टी में टूट होती दिख रही है। बीते महीने में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जबरदस्त टूट हुई है, जो अभी तक जारी है। ऐसे में लगातार लग रहे इन झटकों का मर्जर पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि यूं तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का साथ लंबा रहा है, लेकिन 2013 में नाराजगी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली थी। रंजीत अजय जय ए भैया बैठ जाइए ना नगेंद्र जय अरे क्या कर रहे हैं आप नगेंद्र घुसने के लिए भाई नागेंद्र पीछे से हटो नागेंद्र जिसका निर्माण हम लोग 3 मार्च 2009 को पटना के गांधी मैदान में बिहार भर के साथियों को बुलाकर हम लोगों ने पार्टी बनाया और गांव और हम लोगों ने गांधी मैदान में बिहार भर के साथियों के साथ खासकर कुशवाहा समाज के अभूतपूर्व उपस्थिति के बीच में संकल्प लिया था कि जब तक हम लोग नीतीश कुमार जी को सत्ता की गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी अभियान में हम लोग पूरे बिहार में बिहार के हर गांव में घूमकर इस संकल्प को जो संकल्प पूरे गांधी मैदान में लिया था नीतीश कुमार जी को हटाने का बिहार भर के गांव में लोगों को संकल्प हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। लेकिन अपने संकल्प से पीछे हटते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुनः नीतीश कुमार जी के समर्थन में जाने का प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार भर के संकल्पित साथियों ने मिलकर और झारखंड प्रदेश इकाई के साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग अब नए व्यक्तित्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करके और पुनः जो हमने संकल्प गांधी मैदान लिया था माननीय नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए उस संकल्प आज भी हम लोग कायम रहे और आगे बढ़े। आज के दिन
अमर शहीद बिहार लेजेंड जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए बिहार की राजनीति में हम लोग माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अपने आदरणीय साहब जगता राव के नेतृत्व में और बिहार को एक नई ऊंचाई देने के लिए बिहार में एक नया नेतृत्व देने के लिए हम संकल्पित हैं और जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के स्थिति कमेटी की हम लोगों ने बैठक किया उस बैठक में सब सहमति से निर्णय लिया गया कि हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से प्रकाश करते हैं और हम लोग अपने नए नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करेंगे। और भी आज के बाद जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय जनता दल का होगा कल तक हम लोग जो ताकत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथियों के मान सम्मान को लेकर आगे बढ़ रहे थे आने वाले समय में पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे और नया नेतृत्व माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में हम लोग आगे काम करने का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथियों ने निर्णय लिया है। इस क्रम में जो व्यापक नाम आपके बिचाए हैं वे तमाम साथी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में तमाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर जो निचले गाय के हमारे साथी हैं सबसे बातें हो रही हैं। आने वाले दिनों में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके बिहार भर के जो हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के छूटे हुए साथी हैं उन तमाम साथियों को बुलाकर एक बड़ा आयोजन का हम लोग ने रूपरेखा तय किया है। कोरोना काल के समाप्ति के बाद उस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। मेरे तरफ से आज के मौके पर सिर्फ इतना ही कहना है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। केवल एक ही भागलपुर के साथी जो यहाँ लोक सत्ता पार्टी के तरफ से आए हैं वह सिल्क का चादर लेकर के तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष का लोक समता पार्टी जो पहले थी उसकी तरफ से स्वागत करना चाहते हैं। आइए डाउन कर लीजिए थोड़ा और डाउन कर लीजिए। सोनू सोनू मैं नेता प्रतिपक्ष चौधरी करता हूँ। सोनू और नीचे आ जाओ। कलरफुल है उड़ा दो यार कलरफुल है। आए हुए सभी साथियों को उनका वर्णन करें ताकि आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल की ताकत के सभी साथियों से करें। धन्यवाद। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ जगदा बाबू जी बैठे हैं और साथ में वीरेंद्र कुशवाहा जी जो कि पहले प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष आर एन एस पी हुआ करते थे। श्री निर्मल कुशवाहा जी ध्यान हासन जी हुआ करते थे और श्रीमती वधु मंजरी गुप्ता जी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके कई साथी वरिष्ठ नेता वरिष्ठ पदाधिकारी कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष राष्ट्र कमेटी के सदस्य जिला के उनकी यूनिट सभी लोग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने
राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। आरएनएसपी में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा सिंह ही बचे हुए हैं, बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्र की कमेटी प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव भी आ गए तो खुद ही पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे मुद्देव चौधरी हमारे पार्टी में आए थे, उनको टिकट मिला था और भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी आप सब लोगों को अगर याद हो, तो लालू जी को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पा रही, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। तीसरी बात आप लोगों को याद होगा, चुनाव में उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया था कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का काम किया, अभद्र भाषा का इल्जाम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था, इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा गया, लेकिन ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। अब बात यह है कि अब इनके जितने पुराने साथी पदाधिकारी नेता सभी लोगों का जो विलय जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और सभी नए साथियों का जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं शामिल, जैसे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष उनकी पूरी युवा टीम होगी, तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से पार्टी में जो है कोई बचा नहीं है सिवाय उपेंद्र कुशवाहा जी। हम इस पर ज्यादा कुछ और टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी बैसाखी पर नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, हम तो कहते हैं चौथी नंबर की पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीसरे नंबर की पार्टी उनको बनाने का काम किया और तीसरी नंबर पार्टी का भी बिहार में मुख्यमंत्री है। कल भी हमने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जितना बेबस कमजोर लाचार असहाय मुख्यमंत्री पूरे देश ने नहीं देखा होगा। लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है, लगातार शराब की बिक्री हो रही है लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, यहां पे विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन सरकार, चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब देखिए ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे
आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है। तो मसला क्या है वो लोग बताएंगे, लेकिन उड़ी जब थी जब वापस आ चुकी है तो हम लोग सब लोग मजबूती के साथ जो है मौजूदा सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के सवाल को उठाने का काम करेंगे। साथ में ही हमने आरोप लगाए थे कि कई ऐसे अपराधी गण हैं जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, और आप लोग याद कीजिएगा विधानसभा में भी हमने कहा था कि कई ऐसे सदस्य यहाँ भी बैठे हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जो है संरक्षण देने का काम करती है, सभी को संरक्षण दिया, सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, आप सब लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते लोग तो सही कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले कल जो है मंत्री के यहाँ शराब पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक मंत्री के भाई जो है वो खुलेआम सरकारी उद्घाटन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालगंज से एक विधायक आते हैं सरेआम, उन्होंने ट्रिपल मर्डर किए, कई अपराध किए, यूपीए पुलिस की एसटीएफ ढूंढ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वही पश्चिम चंपारण के तरफ से वहां के विधायक थे जनता दल यूनाइटेड के धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और फरीदपुर सिंह, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू सिंह जी ने एक हत्या करने का काम किया, और आप चाहेंगे थोड़ा सा एक कुर्सी यहां लगवा दीजिए, आइए बता रहे। इनकी धर्म पत्नी जो है जिनकी हत्या हुई थी स्वर्गीय दयानंद वर्मा, जो कि पूर्व जिला पार्षद है, 14 फरवरी को धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन्होंने हत्या किया, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई धर पकड़ नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले दयानंद वर्मा जी की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य हमसे मिलने आए थे, और हमने कहा था कि आपको जो है इंसाफ दिलाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा बल होगा जो प्रयास होगा अपराधियों को पकड़ने में हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब हमारे साथ उनकी धर्म पत्नी है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला, विधायक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही है असली जंगल राज, जहां सरकार सत्ता जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राक्षस राज में जो है राक्षस जो सरकार चल रहा है उसमें पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पुलिस का एनकाउंटर होता है, शराब माफिया करते हैं, लेकिन क्या ठोस वजह है गिरफ्तारी है वो अभी तक धरपकड़ नहीं हो पाता है। तो आज धर्मपत्नी जी हमारे साथ है जिनकी हत्या हुई, हम चाहेंगे उनसे कि आप लोगों के सामने जो है शब्द आप अपनी बात को बंद रखना। मेरे पति दयानंद पुलिस एसपी साहब सबके सामने में चिल्लाती रही,
की तो हत्या हुआ, खुद विधायक जदयू विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह खड़ा होकर उन पर गोली चलवाया है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं दो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर दाम पता इधर उधर घूमने का रही हूँ। मेरे वही एक गार्जियन थे, मेरा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुत उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से मुझे तो उम्मीद है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाएगा। सारे तरफ मैं भटक रही हूँ, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। 14 फरवरी से आज 12 तारीख हो गया, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। सभी लोग वहाँ की चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, मैं कैसे बनाई नहीं हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एस पी बोल रहा है कि कोई गवाही नहीं दे रहा है, जबकि वहाँ का लोग सफा किए पैदल वासी का आप देख सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा महिला है, उनका ठीक कहना है कि ये खुद ही वहाँ मौजूद थी जब ये घटना हुई थी। उनके सामने जो है उनके पति की हत्या कर दी गई, कि कोई जो है कार्रवाई सरकार ने अब तक नहीं की। इन्होंने ये भी कहा कि दर्द दर्द भटकते भटकते कई जगह ये पहुंचने का काम की, चाहे एसपी हो या और कोई अधिकारी हो, लेकिन इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नीतीश कुमार जी के दबाव में सभी अधिकारियों ने काम किया। अब इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ सुशासन नाम की चीज बिहार में कुछ नहीं। सवाल तो उठे नीतीश कुमार जी से, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनकी ही जवाबदेही है। अब हम लोग चाहते हैं सदन में भी ये मसला कई बार मामलों को हम लोग जब उठाते हैं, हम लोगों का काम है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और जो लोग हैं उनको न्याय कराया जाए। लेकिन सरकार जो है लगातार हाउस में गंभीर दे रहती है, जवाब देने से बचती है, कुछ बोलती भी है तो झूठ बोलती है। इससे हम लोगों का पूरा और विधानसभा में चलेगा तो इस मामले को हम लोग उठाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनकी हत्या हुई उनके परिजनों को जो है न्याय मिलना चाहिए। जब इन्होंने देखा है, साक्ष है कि पीड़ित महिला है, आखिर क्या वजह है? सब कुछ बोलने के बाद भी, कहने के बाद भी, देखने के बाद भी, सबूत होने के बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है जो शराब बंद जिनके हाथ से पकड़ा जाए। सृजन घोटाले वाले जो अपराधी हैं, प्रिया और मनोरमा देवी के जो बेटे, अब तक गिरफ्तारी नहीं। आखिर क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं से इनको अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, और बचाने वाला और कोई नहीं, केवल नीतीश कुमार जी है। इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने सोचे कि सारी चीजों को रखना चाहिए। हमारे पास आई थी, हमने कहा था कि ये बात है तो सब लोगों के सामने आप कहिए, हम आपका साथ देंगे। और आज आपने जो है इन्होंने आप लोगों के सामने की बातें रखी है, और कोई सवाल आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले तो न्याय मिलना चाहिए ना, और जो संरक्षण देना है कौन संरक्षण देना है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कि बचाव कौन रहा है, इसके कहने पे पुलिस जो है गिरफ्तार ये कर रही है। तो आज दो चीजों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक तो भाई वीरेंद्र जी अपने सभी साथियों के साथ प्रलोसपा का विलय केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके उनको बाहर करके पूरी यूनिट जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दी, और दूसरा जो रिंकू सिंह जो विधायक जो हत्या का आरोप लगा है, और जो पीड़ित महिला है जिनके पति की हत्या हुई है, आज आप लोगों के सामने इंसाफ की गुहार मांगने का काम किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इन सारी चीजों को, इस भली महिला को इंसाफ दिलाने का काम किया।
हाउस में आप लोग उठाएंगे क्या इसको? हाउस में और राज्य का मसला हम लोग तो लगातार उठा रहे हैं, और आपको तो हमने पहले भी बताया कि हमने तो सदन में भी बात कही, ऐसे सदस्य जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। वो कौन से दल से शराब पी के डांस करते हैं उनका लगा के कोई कार्रवाई नहीं होती, हत्या कर देते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, शराब का पूरा स्टॉक करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, बाकी कार्रवाई हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश भैया, गणेश भैया, ओ गणेश भैया।